पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल क्या कोरोना संक्रमण का इलाज है? क्या सरसों के तेल से कोरोना का वायरस मर जाता है? या फिर क्या सांस रोककर ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या फिर नहीं? बेसिक समझ रखने वाले व्यक्ति भी जानते हैं कि इन तमाम सवालों का जवाब है नहीं। लेकिन योग गुरु रामदेव को पता है कि देशवासियों के बेसिक समझ को पिछले कुछ सालों में मार दिया गया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि यहां पर कोई भी झूठ बेचा जा सकता है। बाबा रामदेव का सबसे बड़ा झूठ और सबसे ताजा झूठ जो फिलहाल चल रहा है वो है कोरोना संक्रमण के दवा को लेकर किए गए उनके दावे से संबंधित। दरअसल 23 जून को बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण की मौजूदगी में एक कोरोना किट लॉन्च किया गया। इसमें तीन दवाइयां थी, कोरोनिल, श्वासारी और अणुतेल। श्वासारी और अणुतेल पुरानी दवाइयां हैं, जबकि कोरोनिल नए तौर पर बनाई गई है जिसमें गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का यूज किया गया है। उस दिन कोरोना किट को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने क्या कहा वो सुनिए। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार होगी। खैर, जैसे ही पतंजलि ने यह कोरोना किट लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय ने साफ साफ घोषणा की और उनसे कहा कि आप तब तक इस किट का प्रचार नहीं कर सकते या फिर पब्लिसिटी नहीं कर सकते जब तक इसकी जांच ना हो जाए। उसी दिन यानी कि 23 जून को रामदेव ने अर्णब गोस्वामी के साथ बातचीत की। अर्णब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि बाबा, जो कोरोना किट आपने लॉन्च किया है वो कोरोना का क्योर है या फिर कोई इम्यूनिटी बूस्टर? रामदेव ने जो जवाब दिया वो सुनिए। हमने किया है और इसका रिजल्ट है, अब आप इसको रिकवर कह दो, उसको आप क्योर कह दो, हम तो इम्यूनिटी बूस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे। इन जवाबों से सिद्ध होता है कि रामदेव यह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि उन्होंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है और कोरोना की दवाई वो बेचना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बाद हो हल्ला शुरू हुआ और अब उन्हें जरूरत महसूस हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो आज यानी कि 1 जुलाई को रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुरानी बातें ही दोहराई, लेकिन एक बात पर खास तौर पर जोर दिया, वो बात ये थी कि कोरोना किट कोरोना का क्योर नहीं है। रामदेव ने जो कहा वो सुनिए। मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रम जाल में माया जाल में मत अटको। बेशक बाबा रामदेव शब्दों के माया जाल की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शब्दों के इसी मायाजाल की आड़ में वो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता, और जब से कोरोना महामारी की चर्चाएं शुरू हुई हैं तभी से इम्यूनिटी के बारे में भी बातचीत हो रही है कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। ये बात भी सर्वविदित है कि गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो इस सिचुएशन में इन औषधियों को सीधे तौर पर कोरोना के इलाज से जोड़ देना एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसे पतंजलि ने अडॉप्ट किया है। रामदेव की बातों में एक बात और ध्यान देने वाली थी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदेव ने क्लिनिकल ट्रायल का दावा ठोका और अंत में एक गौरतलब बात की जो हमारी पकड़ से छूटनी नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो एसिम्प्टोमेटिक मॉडरेट माइल्ड पेशेंटों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया था, तो प्रारंभिक ट्रायल उन्हीं पर होता है। अब इसके बाद हम जो उसमें जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी आगे जाएं। दरअसल रामदेव जिस क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं वो केवल एक संस्थान में की गई, कम गंभीर मरीजों पर, असिम्प्टोमेटिक जो मरीज थे उन पर यह क्लिनिकल ट्रायल किया गया। अब एक फैक्ट की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। फैक्ट यह है कि कोरोना का संक्रमण दर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरोना का मृत्यु दर उतना अधिक नहीं है। ऐसे में एक संस्थान के अंदर 3 दिनों में 69% और 7 दिनों में 100% मरीजों को ठीक कर देने का दावा झूठा हो या ना हो भ्रामक जरूर है। ये बात अत्यंत सुखदाई हो सकती है कि भारत से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कोरोना का इलाज ढूंढा जा सके और खोजा जा सके, लेकिन यह बात उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की आड़ में कोई व्यक्ति भ्रामक दावे करे और केवल अपना धंधा जमाने की बात सोचे। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स, जांचिए उन सभी खबरों को जो आती है आपके पास,
सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, अगर Facebook पर देख रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।